हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके लिए, झटपट बन जाने वाली बहुत ही क्रिस्पी मसाला कचौड़ी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। आज की खस्ता मसाला कचौड़ी बनाने के लिए एक पैन में लिया है पूरा 2/3 कप हमने साबूदाना। मीडियम फ्लेम पर इसे हमने रोस्ट करना है, कलर चेंज नहीं करना, बस इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे कि क्रिस्पी हो जाए और इसके अंदर की नमी निकल जाए, जिससे कि जब हम इसे ग्राइंड करें तो स्मूथली एक फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। तो बस हमने इसका कलर चेंज ना करते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेना है और उतार लेंगे इसे ठंडा होने के लिए। दूसरी तरफ इसे उतारने के बाद यहाँ पर ऐड कर रहे हैं पूरा 1 कप मूँगफली। इन्हें भी हमने अच्छा क्रिस्पी होने तक भून लेना है, रोस्ट कर लेना है स्लो टू मीडियम फ्लेम पर, जब तक कि हल्की सी चटकने ना लगे और इनका छिलका अलग होना स्टार्ट ना हो जाए, जब तक हमने इन्हें अच्छा सा क्रिस्पी कर लेना है। और जब हमारी मूंगफली भी अच्छी क्रिस्पी हो जाएंगी, उसके बाद हमने इन्हें भी उतार लेना है, जिससे कि ये ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ साबूदाना हमारा ठंडा हो गया था और उसे हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसका एक फाइन पाउडर यानी एक आटा बना के हमने साबूदाने का तैयार कर लिया है। और बस साबूदाने के इस आटे को हमने निकाल लेना है एक बड़े बर्तन में, और साथ में ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं आलू। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 2/3 कप लिया था साबूदाना और यहाँ पे हम ले रहे हैं पूरा 1 कप। 1 कप में भी हल्का सा ज़्यादा ही है, ये करीब 250 से 300 ग्राम हमारे उबले हुए आलू हैं, जिन्हें हमने बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच करीब काली मिर्च का पाउडर साथ में ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 1/2 चम्मच करीब भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद नमक। और बस सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए इसका एक डो लगा कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पे बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगर आपको हल्का सा भी ड्राई लगता है तो 1 आलू आप उबला हुआ और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं, बस 1 से 2 चम्मच, वो भी जब जब अगर आपको आपका डो ज़्यादा ड्राई लगता है, इसे बांधने में दिक्कत होती है, बस तभी आपको 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करना है। वैसे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। 2/3 कप साबूदाने के आटे से और 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हमने उबला हुआ आलू लिया है, और इस रेशियो के साथ बिल्कुल अच्छे से आपका ये डो लग के तैयार हो जाएगा। और बस हमारा डो लग के तैयार हो गया है, इसे ढक के रख देंगे पूरे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। और दूसरी तरफ इसकी स्टफिंग की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने जो मूँगफली ड्राई रोस्ट करके रखी थी सेम जार में ले ली है। साथ में ले रहे हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता, और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, और साथ में ऐड करेंगे 4 से 5 बूंद हम नींबू की, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही नींबू यहाँ पे हमने ऐड करा है। और बिना पानी के हमने ये ग्राइंड करके तैयार कर लेना है। हमने इसकी कोई चटनी नहीं बनानी है, हमने इसे सूखा ही रखना है, इसलिए आप देख सकते हैं किस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी इसकी है। जैसे कि हमारी सूखी कंसिस्टेंसी होती है उड़द की दाल की कचौड़ी की या मूँग की दाल कचौड़ी की, वैसी ही सूखी कंसिस्टेंसी हमने इसकी रखी है, बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करा है। नमक डालना भूल गए थे, तो बस यहाँ पे अब नमक ऐड करेंगे, करीब 1/2 चम्मच नमक यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, और उस नमक के साथ बिल्कुल अच्छे से हमने इसे मिक्स कर देना है। वैसे तो जब इसे ग्राइंड करें नमक तभी ऐड कर लेंगे, तो आपका ये बिल्कुल अच्छे से तभी नमक मिक्स हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। दूसरी तरफ हमने हमारे डो को भी रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। अगेन एक बार इसे हमने चिकना कर लेना है, यानी एक बार हमने इसे और मसल लेना है, करीब 3 से 4 मिनट इसे आराम से मसल लीजिएगा, तो आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो हमने हमारे स्टो को बिल्कुल अच्छे से मसल कर तैयार कर लिया है। अब बस हमारे स्टो में से हमने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते हुए इसकी बोल्स तोड़ के तैयार कर लेनी है कुछ इस तरह से, और इन्हें हाथ से ही चपटा करके बढ़ाएंगे, इन्हें इस तरह से बढ़ाना है, और हमारी स्टफिंग को हमने कर देना है फिल। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग रखेंगे, ओवर स्टफ नहीं करेंगे, और बिल्कुल अच्छे से हम इन्हें पैक कर देंगे। बहुत इजीली ये पैक होकर तैयार हो जाएंगे, और आप देख सकते हैं आपकी कचौड़ी बनके तैयार है। ऐसी हमने बाकी बचे हुए आटे की करनी है, थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए उसे फैलाएंगे, और बस स्टफिंग को भरते हुए हमने अंगूठे की हेल्प से प्रेस करते हुए स्टफिंग को अंदर की साइड इन्हें हाथ से इन्हें साइड में से गोल गोल घुमाते हुए हमने इस तरह से शेप दे दी है। आप देख सकते हैं देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। दूसरी तरफ हमने तेल अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था पहले से ही, और तेल जब हमारा मीडियम थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो एक एक करके हमने जितने की हमारी पैन में आ जाएं हमारी ये कचौड़ियाँ छोड़ देनी है। गैस हमारी मीडियम फ्लेम पर है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। हल्की सी नीचे से सिक जाएंगी, उसके बाद पलटना स्टार्ट करेंगे, और बस इन्हें पलटते हुए
हमने अच्छा गोल्डन कलर आने तक इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। और बस आप देख सकते हैं कैसी बोल की तरह ये फूल गई हैं, बिल्कुल उसी तरह से कचौड़ियाँ बन जाती हैं जैसे कि हम खस्ता कचौड़ी खाते हैं मसाले वाली, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर इनका आ जाएगा और अच्छी गोल्डन हो जाएंगी। तब एक एक करके हमने इन्हें उतार लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अलट पलट करते हुए हमारी इन कचौड़ियों को सेक के तैयार कर लिया है और बस धीरे धीरे इन्हें उतारना स्टार्ट कर देंगे। आप इनका कलर, इनका टेक्सचर देख सकते हैं कितनी ही बढ़िया लग रही हैं देखने में। और बस इन्हें हमने गर्म गर्म इन्हें उतार लेना है। ये रेसिपी ऐसी आप व्रत में क्या बिना व्रत के भी इसे बना के खाना चाहेंगे, बहुत ही टेस्टी लगती है। किसी भी चटनी के साथ, चाय के साथ आप इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी रेसिपी बनकर तैयार है और हमने उतार लिए हैं इन्हें एक सर्विंग प्लेट में। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से अंदर से हमारी ये स्टफ्ड हैं। तो फ्रेंड्स आप भी नवरात्रि में, व्रत में इन्हें कभी भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।